आज हम आपको पोटैटो पूरी या आलू पूरी की रेसिपी बता रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की मसाला पूरी है ये। इसके लिए सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आधा कप जो है ऑयल ले लें, आधा कप आम गंदम का आटा, आधा कप मैदा और 1/4 कप जो है राइस फ्लोर यानी चावल का आटा, ये हम लेंगे। इन सब से जो है वो डो बनेगी। पानी जो है तकरीबन 1 कप जितना इसमें जाएगा गर्म पानी। तो ये मसाले जो हैं, बाकी ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जीरा है और गार्लिक पाउडर है, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, अजवाइन और थोड़ा सा मैंने दालचीनी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून जितना। बाकी 1 टीस्पून है, बाकी ये सिर्फ 1/2 टीस्पून है। आधा कप आलू है मैश किए हुए, तकरीबन 2 आलू हैं जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया है बॉयल करके। चलिए एक प्याला ले लेती हूँ मैं। अब इसके अंदर ये सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वन बाय वन करके डालते हैं। आटा, मैदा और चावल का जो आटा है, चावल का आटा जो है ये बहुत क्रिस्पी करता है पूरियों को। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सूजी भी इसकी जगह पे डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी आपकी ये पूरियाँ। तो साथ ही ये मैंने इसमें मैश किए हुए जो है आलू 1/2 कप बॉयल ये ऐड कर दिए हैं। और इसके साथ थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ इसको चम्मच की मदद से। इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करती हूँ। इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, जितना जितना मुझे ज़रूरत है। बस आपने इसको थोड़ा सा सख्त रखना है, आम आटे की तरह नरम नहीं रखना, थोड़ा सा इसको हार्ड रखना है। क्योंकि जब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पोटैटो के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो ये खुद ब खुद ही सॉफ्ट डो बन जाएगी। चलिए मैं अब इसको थोड़ा सा जो है टर्न करती हूँ इस पर किचन काउंटर के ऊपर। तो उसके ऊपर मैं आपको अच्छी तरह से इसकी नीडिंग बताती हूँ कि मैंने इसको गूंदा कैसे है। मेन जो इसका काम है वो गूंदने का ही है। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको नीडिंग करेंगे, गूंदेंगे, उसी आपकी जो पूरी है उतनी ही ज़्यादा अच्छी फूलेगी। ये मैं 1 चम्मच और डाल रही हूँ इसमें, और इसको हथेली की मदद से आपने रगड़ रगड़ इसको आपके सामने मैं गूंदूंगी, और वीडियो को बिल्कुल भी इसमें से स्किप नहीं करूंगी। इसकी सॉफ्ट डो बना लेनी है। थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाते जाएंगे जितना हमें ज़रूरत होगी, लेकिन इसको अच्छी तरह से आपने बाइंडिंग करनी है। देखिए इस तरह से मैं इसको दबा रही हूँ उंगलियों की मदद से भी, और साथ साथ हथेली की मदद से साइडों से भी। मैं जो थोड़ा थोड़ा सा जर्रे हैं इसके, इनको भी इकट्ठा कर रही हूँ। स्लैब पे रखने का मकसद ये होता है कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है जब हम इसको हथेली की मदद से रगड़ते हैं, तो बहुत अच्छा ये अच्छी तरीके से इसमें इलास्टिकसिटी बहुत अच्छी आ जाती है, लचक आ जाती है। देखें इस तरह से आपने इसको गूंदते जाना है, 3 से 4 मिनट आप इसको गूंदेंगे तो बेहतरीन इसके अंदर सॉफ्टनेस आ जाएगी। और जो आलूओं में भी अगर थोड़ी सी कसर होगी कि आलू जो हैं आपके अगर गुठलियाँ होंगी तो उनकी वो भी निकल जाएंगी, और ये बेहतरीन एक समूथ डो हमारी बन गई। देखें इसको मैं अब एक जगह पे इकट्ठा करके, ये देखें आप कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट माशाल्लाह से डो बन गई है। ये मैंने 2 से 3 मिनट ही इसको अभी गूंदा है। अब मैं इस पर हल्का सा ऑयल का हाथ लगा देती हूँ, और इसको एक साइड पर कवर करके तो इसको रख देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए राइस होने। अब ये देखें बेहतरीन सा हमारा जो डो है, ये देखें कितना सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा मैंने काउंटर के ऊपर ऑयल लगाया हुआ है ताकि जब इसको हम अच्छी तरह से इसके पेड़े बनाए, तो लोइयां सी बना लेनी है आपने, और इसके छोटे छोटे से पेड़ों की शक्ल में इसको आपने बना के तो थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देना है। 4 से 5 मिनट के लिए बस ये पेड़े बना के आप साइड पे रख देना है। अब इसको थोड़ा सा बेलन से मैं शेप दूंगी, और बाकी मैं हाथ की मदद से ही इसको ये देखें फैला रही हूँ। हाथ की मदद से ये बहुत ज़बरदस्त इक्वल बिल्कुल साइडों से, जो थोड़े से किनारे मोटे होते हैं वो भी नहीं होंगे, और बहुत एहतियात से आपने इसको उठाना है। ये देखें इस तरह से ये हमारी पूड़ियाँ बन जाएंगी। इस तरह आपने सारी पूड़ियाँ बना लेनी है, और प्लेट में या किसी ट्रे में रखते जाएं इनको, ताकि जब आपने ऑयल गर्म करना है तो फ्राई करते जाएंगे वन बाय वन। चलिए ऑयल मैंने तकरीबन 4 कप है, और इसको मैंने फुल बबलिंग पे किया हुआ है। अब इसमें पूड़ियाँ डालेंगे। पूड़ियाँ डालने के वक्त हाई फ्लेम पर आपका ऑयल होगा तो तभी आपकी पूड़ी जो फूलेगी। और थोड़ा सा आपने इसको चम्मच की मदद से ये देखें साइडों से टर्न करते जाना है। ये देखें कितनी माशाल्लाह खूबसूरत हमारी पूड़ी जो है फूली है, और कितनी क्रिस्पी है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ही माशाल्लाह से फूल गई है, और सिर्फ ये 30 से 40 सेकंड के अंदर बन गई है। चलिए मैं दूसरी भी डाल लेती हूँ, इसी तरह मैं बाकी भी तल लूँगी। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ऑयल क्योंकि हमारा गर्म है, तो आपने इसमें जब चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा सा इसको साइडों पर हल्का हल्का सॉफ्ट हैंडल करना है, और ये जिस तरह हम फ्राई अंडे के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते हैं, बस इस तरह से आप इस पर डालेंगे और टर्न कर लेंगे। बस ये बेहतरीन आपकी पूड़ियाँ बन जाएंगी। मुझे थोड़ा सा सुनहरी कलर पसंद है, इसलिए मैंने डार्क कलर की। चलिए एक जो है इसको मैं ट्राई करती हूँ, ये तोड़ के दिखा रही हूँ। देखें कोई ऑयल नहीं है इसमें, और क्रंची इतनी क्रिस्पी है, खा के देखते हैं कैसी है। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका मसाले की वजह से। ये दूसरी भी देखें, अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह से ऐसे ही आपकी पूड़ियाँ फूलेंगी। बस इसको गूंदना जो है वो मेन
काम है। इसके साथ अगर आप चने बना लें तो क्या ही बात है, इसका बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और नाश्ता जो है संडे ब्रंच के तौर पे भी आप इसको खा सकते हैं और रमज़ान में भी इसको खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये पूड़ियाँ और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी आपकी ये पूड़ियाँ। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आई हूँ। चलिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जैसे खस्ता गर्मा गर्म मज़े के समोसे आलू वाले सिखा रहे हैं और साथ ही समोसा पट्टी की रेसिपी भी घर पे बनाना सिखा रहे हैं। आलू के समोसे बनाने के लिए सबसे पहले समोसा पट्टी बनाएंगे हम। तो उसके लिए 4 कप मैदा, आधा कप आपने ऑयल लेना है या घी लेना है, 2 चम्मच नमक लेना है, 1 चम्मच ज़ीरा और नीम गर्म पानी के साथ इस तमाम चीज़ें जो हैं एक प्याले में इकट्ठी डाल के तो अच्छी तरह सख्त इसको आपने गूंद लेना है। बहुत अच्छे तरीके से दबा दबा के मल के आपने गूंदना है। पहले ये खुश्क चीज़ें और घी जो है मेल्टेड या ऑयल आधा कप जो है वो डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी डालते जाएंगे। इस तरह हाथों से मसलना आपने, देखें, और पानी डाल डाल के तो इसको सख्त आपने गूंद लेना है ताकि तमाम चीज़ें जो हैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स होती जाएं। थोड़ा थोड़ा डालते जाइएगा पानी, ये आम आटे से थोड़ा सा सख्त गूंदेगा तो फिर इसका जो है आपकी रोल पट्टी या समोसा पट्टी से या पापड़ी चाट जो भी कुछ आपने बनाना होगा इससे बहुत ही खस्ता और मज़े का बनेगा। प्याले में सब कुछ जमा करके उसके बाद ये देखें मैंने इसको किचन काउंटर के ऊपर फैला के तो इसको अच्छी तरह से नीडिंग कर रही हूँ यानी गूँध रही हूँ हथेली की मदद से आपने। इससे इसमें बहुत ज़्यादा जो आप देखते हैं बाज़ार के समोसे जिसमें खस्तापन बहुत ज़्यादा होता है वो इसी वजह से होता है कि इनके अंदर इलास्टिसिटी हो जाती है। चलिए ये मैंने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह इसकी नीडिंग की है। अगर आपके पास मशीन है तो आप उसके अंदर अच्छी तरह से आटा गूंद लीजिएगा। अब ये घर पे ही हमने गूंदा है तो इस तरह से 4-5 मिनट अच्छी तरह गूंद के हल्का सा ऑयल ऊपर लगाइए और 10 मिनट के लिए इसको कवर करके साइड पर रख दें। चलिए चलते हैं अगली प्रोसीजर की तरफ। अब इसकी फिलिंग जो है आलू की, ये आलू हमने मोटे मोटे मैश किए हुए हैं हाथ की मदद से, तकरीबन 2 कप हैं। एक प्याज है मोटा मोटा काटा हुआ, ये कसूरी मेथी, लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक, हल्दी, अजवाइन और सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें हैं और लहसुन अदरक की पेस्ट है 1 टेबल स्पून। अब आलू जो हैं ये देखें इस तरह आपने दरदरे से करने हैं, बिल्कुल मैश नहीं करने क्योंकि समोसों में आपको पता है आलू जो है वो ज़्यादा थोड़ा थोड़ा मोटा और थोड़ा थोड़ा कुचला हुआ आलू होता है। तो चलिए इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है और उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है। अब इसके अंदर प्याज भी मैंने साथ ही शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे, आंच हमारी जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे है। तो इसके अंदर अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ें ऐड करती जाऊँगी। फटाफट से बनने वाली ये फिलिंग है, इसी से आप रोल भी बना सकते हैं, समोसे भी बना सकते हैं, दोनों चीज़ें ही आपकी बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। कचौरी के लिए भी अगर आपने फिलिंग बनानी हो तो ये एक फिलिंग बहुत ही शानदार रहेगी आलू की कचौरियों के लिए भी। अब ये आलू भी जो है हमने मसले कुचले हुए बॉयल आलू जो थे वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं, मसाले भी सारे इसमें शामिल कर। इसका लिंक जो है रेसिपी का मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप पूरी रेसिपी को फॉलो कर लीजिएगा। इस फिलिंग को अगर आपने मज़ीद करारा स्पाइसी बनाना है तो आप इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के शामिल कर दीजिएगा और थोड़ा सा फ्लेवरफुल करना है तो धनिया या पुदीना भी डाल सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ सिंपल जो हमारी बिगनर्स के लिए बना रही हूँ तो इसमें सिर्फ नॉर्मल जो बाज़ार में फिलिंग होती सेम उसी को ही फॉलो कर रही हूँ। तो अब आँच मैंने बंद कर दी है, आलू मिक्स करके तो इसको ठंडा करते हैं और इस फिलिंग को रखते हैं एक साइड के ऊपर। अच्छी तरह से चम्मच से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जितने भी मसाले तैयार करते हैं सारे इसके अंदर अच्छी तरह से समोसा पट्टी के लिए देखें जो गूंदा हुआ आटा करते हैं और आपने पतले पतली सी रोटियाँ बेल लेनी है छोटे छोटे पेड़े करके। ये देखें मैंने इस तरह से पतली रोटी बेली है हल्का सा खुश्का लगा के, ये देखें अब नीचे खुश्का लगा के तो इस तरह से एक रोटी आपने इस तरह रख के थोड़ा सा ऑयल जो है ब्रश या हाथ की मदद से आप इस रोटी के ऊपर लगाएंगे और तहें बनाते जाएंगे सारी। थोड़ा सा ऑयल आपने लगाया ऊपर, थोड़ा सा खुश्का लगाया। इस तरीके से अगर आप
समोसा पट्टी या रोल पट्टी बनाएंगे तो आपकी बहुत ही थिन क्रस्ट की बनेगी, बहुत ही पतली वाली बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। और अगर आपको इस तरह हैंडल नहीं भी करना आता तो आप सेम जो मैंने रोटियां बनाई हैं इनको हल्का हल्का तवे पे सेक के तो उनको साइड पे रख लीजिएगा, बेहतरीन वो भी आपकी समोसा पट्टी या रोल पट्टी बन जाएगी। लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा है क्योंकि वो एक एक आपको जो है तवे पे सेकनी पड़ेगी। लेकिन जो ये इस तरह से हैं आप तहें लगा लगा के चार चार पाँच पाँच कर लेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, टाइम की बचत भी हो जाएगी और आपकी रोटी और मज़ीद बारीक हो जाएगी। ये देखें इस तरह से तीन तीन चार चार लगा के, तो मैं इसको अब आपको बता रही हूँ जिस तरह से, बस आपने फॉलो करना है। ड्राई ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल के तो इस तरह से आपने ऊपर से अच्छे तरीके से मल के ताकि सारे पे रोटी पे अच्छी तरह से ऑयल लग जाए, और थोड़ा सा फिर खुशका डाला और ऊपर से रोटी लगा डाल के तो अब इसको हम फोल्ड करेंगे। इसको आपने नरम आहिस्ता हाथों से ज़ोर नहीं लगाना जब आपने इसको बेलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर से अगर आप इसको बेलेंगे तो ये आपस में ज़्यादा ज़ोर से चिपक जाएंगी। बस उतनी बड़ी रखिएगा रोटी या चपाती जितना आपका तवे का साइज़ होगा, तो उसके हिसाब से आप दो या तीन रोटियों की तहें लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको पटकना भी है एक एक दफ़ा और रोटी को बेलते जाना है बस इस तरह से करके। तो अब इसको तवे पे डालते हैं, तवा हमारा पहले से ही प्री हीट है, गर्म है। इसके ऊपर एक साइड से 30 सेकंड इसको सेकेंगे और डबल, और दूसरी साइड को टर्न करके तो उधर से भी 30 सेकंड के लिए इसको सेक लेंगे। चलिए ये इस साइड से मेरी रोटी हो गई है, तो अब मैं दूसरी साइड इसकी जो है उसको पलट के तो उसको भी सेकती हूँ। एहतियात से आपने उठानी है रोटी के ऊपर, कलर नहीं देना, और एक्स्ट्रा जो खुशका वगैरह लगेगा वो भी उतार लेना है। अब ये देखें इधर से भी सेक जाती है तो मैं रोटी उतार लेती हूँ। ये देखें इस तरह से आपने दो से तीन मिनट के लिए इसको स्टे देना है, और इसके बाद आपने इसकी लेयर्स यानी कि परतें उतार लेनी है इस तरह से। ये देखें धुआं अभी भी निकल रहा होगा, बस इस तरह से उतारते जाना है आपने इसकी परतें और उनको लदा लदा करके रखते जाना है। देखें कितनी बारीक आपको ये परत नज़र आ रही है, बहुत ही ये आप अगर ज़ीरा ना भी डालें तो फिर भी आपकी ये रोल पट्टी जो है या समोसा पट्टी बहुत ही मज़े की बन जाएगी। ये देखें इस तरह से बस बना बना के रखते जाइएगा, और एक साइड पे इनको करते हैं। ये देखें जो आपसे थोड़ी थोड़ी रह भी गई होंगी, मैं ये देखें कितने नरम हाथों से इसको आराम से हैंडल कर रही हूँ। आपने इस तरह किनारे इसके छुड़वाने हैं, बहुत सख्ती से नहीं इसको आपने खींचना है, जहाँ से आपको थोड़ा चिपक जाए उसको आराम से हैंडल कर लीजिएगा। इस तरह से सारी रोटियाँ जो हैं हम उनको लदा करके तो अब उनको नेक्स्ट जो है आपको बताते हैं कि इसको मैंने क्या किया था। ये देखें इस तरह से आप एक माह के लिए भी जो है रोल पट्टी या समोसा पट्टी रमज़ान के लिए जब बनानी है आपने तो इकट्ठी बना के रख सकते हैं, और बाज़ार से साफ़ सुथरी और सस्ती पड़ेगी आपको इंशाल्लाह। अब ये देखें ये मैंने इकट्ठी कर ली हैं 8 से 10 रोटियाँ, और इनको अब आपने कटिंग करनी है तो साइज़ वगैरह मैयर कर लेंगे। आमतौर पे जो रोल पट्टी या समोसा पट्टी आपको KNS वाली या मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो मिलती है वो 4 इंच चौड़ी होती है और 8 इंच जो है उसकी लेंथ होती है। तो अगर आपने अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा मज़ीद चौड़ा करना है तो चौड़ा कर लें। मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ आपको स्टार्ट में इसके सिर्फ एजेस काट के बता देती हूँ कि किस तरह से आपने इसको काटना है, और इसी को डबल डिवाइड करेंगे तो वो आपकी समोसा पट्टी बन जाएगी। अभी मैं ये रोल के लिए आपको काटना बता रही हूँ। पहले इस तरह से आपने एजेस कॉर्नर काटे, ये जो आपके कॉर्नर कटे हैं ये भी ज़ाया नहीं जाते, इनको आप पापड़ी चाट में पापड़ियों के लिए या रोल समोसे के लिए। ये देखें अब ये मैंने 4 का साइज़ देख लिया है, उसको दरमियान में निशान लगा लिया। अब ये साइड से फिर काट लेंगे, एजेस काट के साइड पर कर देते हैं इनको। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये देखें रेक्टेंगल, इसको दरमियान से आपने लंबाई में फिर काट लेना है, तो इससे आपकी पूरी समोसा पट्टी बन जाती है। ये कटी हुई समोसा पट्टी मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से। ये देखें इस तरह अब इसको रोल करना है आपने, मैं अभी सादा रोल करना सिखा रही हूँ आपको। कॉर्नर को फोल्ड किया अंदर को और फिर टर्न करके तो अपने हाथ की हथेली की तरफ लेके आना है आपने, तो इस यहाँ पे आप इसको ले लगा लेंगे। बहुत ही आसान है, सेम वैसा ही आपका ये समोसा बनेगा जैसा आपकी NS वगैरह का या मुख्तलिफ जो फ्रोज़न समोसे लेके आते हैं बाज़ार से,
तो अब फिलिंग उसके अंदर हम आलूओं की भर देते हैं, अच्छी तरह से भर देंगे क्योंकि हम घर में बना रहे हैं, तो हम इसकी मज़ेदार फुल अच्छे भरी हुई फिलिंग वाले समोसे बनाएंगे। लई जो है वो मैंने बनाई है 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच ही पानी लेकर, तो उसको पतला सा हमने मिक्स करके एक बैटर सा बना लिया था। ये देखें तीनों कॉर्नर इक्वल होने चाहिए आपके, तो फिर आपका खूबसूरत सा यह समोसा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो आम तौर पे फोल्डिंग वाला समोसा होता है उसकी भी ये रेसिपी बता रही हूँ मैं, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाए थे तो मैं इसका क्लिप आपको दिखा रही हूँ। देखें रोटी गोल लेकर दरमियान से काट ली, एक साइड से कॉर्नर से काट के फोल्ड की अंदर को और इसके अंदर फिलिंग की, तो ये बाजार वाले समोसे की फोल्डिंग आपकी बन जाएगी। तो चलिए इनको अब स्लो फ्लेम पे, हम 2 कप ऑयल है मेरा कढ़ाई में तो इसमें फ्राई करते हैं। ये पहले वाला समोसा जिसकी मैंने अभी ये आपको बताया है, और दूसरा जो है हमने जो आपको बनाना सिखाया है वो वाला समोसा भी हम इसमें साथ ही डालते हैं। और इनको हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है, आंच आपकी हल्की स्लो जितनी रहेगी उतने ही आपके खस्ता और गर्मा गर्म समोसे रहेंगे ये। और इनका आसान मेथड ये है कि आप इनको हाफ डन करके निकाल लीजिएगा थोड़ा सा फ्राई करके, तो उसके बाद दोबारा से डालेंगे तो बहुत ही कड़क क्रिस्पी समोसे रहेंगे, यहाँ तक कि 2 घंटे भी अगर बाहर पड़े रहेंगे तो आपके समोसे जो हैं वो सॉफ्ट नहीं होंगे बल्कि बाजार जैसे ही खस्ता और करारे रहेंगे। तो आंच आपने हल्की रखनी है और इनको हल्का सा कलर आने पर टर्न कर लेंगे। ये देखें बस इस तरह से आप इसको फॉलो करते जाइएगा समोसों को। रमज़ान के लिए जब इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपने रमज़ान से पहले ही कोशिश करनी है कि इनको बना के फ्रीज़ कर लें। एक दिन की आपकी मेहनत है लेकिन आपको पूरा महीना आराम रहेगा इंशाल्लाह। और ये रोल पट्टी या समोसा पट्टी जो बनाना मैंने सिखाई है इसको आप जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं फ्रिज में 10 से 15 दिन के लिए, और फ्रीज़र में 2 माह के लिए, ये ख़राब नहीं होती। अब ये देखें ये लाइट सा कलर आ गया है, कलर आपने ज़्यादा गोल्डन नहीं देना इनको। और इस तरह से ये देखें क्योंकि जब बाहर ये निकलेंगे तो खुद ब खुद इनका कलर जो है वो हल्का सुनहरी हो जाएगा, अगर ज़्यादा तेज़ कलर आप देंगे तो उससे वो खूबसूरती नहीं आती इनको। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के ये समोसे बनते हैं, तो ज़रूर आपने ये ट्राई करने हैं। ये देखें अब हल्का सा कलर हो गया, मैं इनको निकालने लगी हूँ बाहर। आप किसी भी टिश्यू पेपर वगैरह पे या किचन टॉवल पे इनको निकालते जाइएगा और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें, आप खुद देखेंगे कि इनका कलर कितना खूबसूरत सा सुनहरी खुद ब खुद हो जाएगा। अभी आपको इसका कलर लाइट लग रहा होगा लेकिन जब आप निकालेंगे तो ये बहुत ही प्यारा सुनहरी कलर लगेगा। ये देखें मैं ये एक निकाल के अभी आपको दिखा भी रही हूँ, देखें बस इस तरह का सुनहरी आपने निकालना है। ज़रूर बनाइएगा इस तरह ही समोसों को जिस तरह मैंने आपको बनाने सिखाए हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डिफरेंट स्टाइल के डोनट्स बनाना सिखा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। ये हमने 2 कप बॉयल पोटैटोज ले लिए हैं, आलू लिए हैं 2 कप बॉयल, उनको शॉर्ट कद्दूकश किया हुआ है, नमक मिर्च ज़ीरा सूखा धनिया हल्दी सब एक एक चम्मच लिया है, लाल मिर्च भी इक्वल क्वांटिटी में है सारा कुछ। थोड़ा सा हमने इसमें बेकिंग सोडा भी यूज़ किया है 1 पिंच, ठीक है। एक ओनियन चॉप कर लिया है, 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, 1 कप बेसन है, 1 कप जो है मैदा है, 1 कप पानी जाएगा इसमें। फटाफट बनने वाली रेसिपी है ये, देखिए हमने सारा कुछ इकट्ठा ही ब्लेंडर में डाल के तो इसको मिक्स कर लिया है। आप भी ऐसे कर सकते हैं वरना हाथ से भी इनको मिक्सचर बना लीजिएगा। आप फॉलो कीजिएगा कि मैंने किस तरह से इनको तैयार किया। ये देखें हाथ पे हथेली पे ऑयल लगा के बैटर इस पे डाला हाथ पे, और चम्मच की मदद से छोटा सा होल बना दिया मैंने, इसको डोनट्स की शेप दे दी है। बड़ी ज़बरदस्त और झटपट बनने वाली रेसिपी है, यकीन जानिए इतने टेस्टी बनते हैं और इतने फ्लफ़ी कि मैं खुद हैरान रह गई। मैंने खाए तो बहुत ही मज़े के लगे और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आए। झटपट बनने वाले टी टाइम्स स्नैक्स के तौर पर दे सकते हैं, लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं और चाय के साथ आपको कुछ समझ ना आए तो फटाफट ये बना के उनके आगे रखें। मैं कहती हूँ कमाल कर देंगे आप, आपके दोस्त कहेंगे कि वाकई बहुत शानदार चीज़ बनाई है आपने, लुक इनकी डोनट्स जैसी है लेकिन फ्लेवर इनका थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, देखें एक साइड से थोड़े से ये सब कलर पकड़ लेंगे तो फिर मैं थोड़े थोड़े करके सारी डाल दूँगी। ये देखें फूलना शुरू हो गए, अब देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत इनका कलर आ रहा है।
जब दोनों साइड से कलर आ जाता है तो इनको निकाल लेंगे हम। मीडियम आपने आंच पे रखना है इनको, स्लो और मीडियम के दरमियानी आंच पे, ठीक है। ज़्यादा तेज़ पे नहीं पकाना वरना अंदर से कच्चे रहेंगे और आपके बहुत अच्छी तरह से ये फूलेंगे भी नहीं, ठीक है। और बहुत ही स्लो भी नहीं पकाना कि सारा ऑयल ही ना जो सारा ऑब्जर्व कर लें। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। चलिए ख़ुद भी खाइएगा, अपनी फैमिली को भी खिलाइएगा, इन्जॉय कीजिएगा। सेम पोटैटो 65, आलू 65, बहुत ही चटपटे स्पाइसी मज़े के झटपट बनने वाला स्नैक्स। आलू ले लिए हैं हमने हाफ के जी, आधा किलो 500 ग्राम आलू मैंने क्यूब्स में काटे हुए हैं, आप वेजीज में भी काट सकते हैं चिप्स की तरह। वो हाफ टन किया हुआ है, हाफ बॉईल करके को ड्राई किया। काली नमक मिर्च डालेंगे इसमें, आधा कप जो है मैदा जाएगा, मैदा के साथ हमने थोड़ा सा राइस फ्लोर भी मिक्स किया हुआ है। ये कैचअप जाएगी, बाकी ये मसाले सारे, गार्लिक क्रश किया हुआ है, धनिया, ज़ीरा, हल्दी, सुरख मिर्च, नमक, ये सब जो है एक एक चम्मच जाएगा, और एक चम्मच चाट मसाला डालेंगे, ठीक है। एक कप हमें पानी चाहिए होगा, आम सादा पानी मैरिनेशन के लिए। चलिए एक बाउल ले लेते हैं। ये बाउल में मैंने आलू डाल दिए, आलूओं में मैंने नमक मिर्च डाल के तो इनको ज़रा सा मिक्स कर लिया है। नमक मिर्च मिक्स करने के बाद अब हम बाकी जो हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। सबसे पहले जो है अब मैं इसके अंदर चाट मसाला डालने लगी हूँ। एक चम्मच चाट मसाला डाला है, अगर और स्पाइसी करना है तो आप ज़्यादा चाट मसाला डाल सकते हैं। सारे मसाले जो हैं मैं एक साथ ही इसमें ऐड करने लगी हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट बनने वाली है और इवनिंग स्नैक्स के लिए बेस्ट, आपके लिए आइडियल रेसिपी है और सस्ती बनती है। बहुत ज़्यादा आपको इनके लिए अमाउंट भी जो है वो खर्चनी नहीं पड़ती। ये मैंने मैदा इसमें डाल दिया, मैदे के साथ मैंने थोड़ा सा दो चम्मच जितना चावलों का आटा भी इसमें मिक्स किया हुआ था। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आहिस्ता आहिस्ता से इसका बैटर मैरिनेशन के लिए तैयार करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सारा बैटर जो है, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से इन पे आलूओं के ऊपर लग जाएं, कोटिंग हो जाए अच्छी तरह से। आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है, देखिए ये अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं इनको। चलिए अब हमने ऑयल गरम कर लिया है तकरीबन 1.5 कप जितना, डीप फ्राई करते हैं। आप जितना भी ऑयल डालना चाहते हैं ज़्यादा डाल सकते हैं। अब थोड़े थोड़े करके हम इसमें ये मैरिनेशन किए हुए जो पोटैटोज़ हैं ये इसमें डाल देंगे। थोड़े थोड़े डालिएगा, अगर ज़्यादा डालेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे और जब एक जगह साइड से क्रिस्प हो जाएंगे तो फिर आपने इनको टर्न करना है और आंच जो है आपने मीडियम रखनी है, तेज़ नहीं रखनी। ये सुनहरी हमारे हो गए हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं। अब मैंने सारा ऑयल निकाल दिया है, सिर्फ एक या दो चम्मच जितना रहने दिया था। उसमें मैंने कुछ नहीं डाला, सीधा डायरेक्ट मैंने जो है ये आलू डाल दिए हैं इसमें। और इनको फ्लेवर देने के लिए आप गार्लिक भी डाल सकते हैं और ओरिगैनो थाइम वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, ठीक है। आप ग्रीन चिलीज़ वगैरह भी जो हैं वो भी इसमें साथ ही ऐड कर दीजिएगा, अगर साथ डालना चाहें। ऊपर से आपने गार्निश करनी होगी तो गार्निश कर दीजिएगा। अब मैंने केचप डाली है और अच्छी तरह सौते कर लेंगे कुछ देर के लिए, मिक्स कर देंगे सारे के ऊपर और क्रिस्प होने देंगे इसको, ठीक है। ये देखें ज़बरदस्त आंच अब हमने तेज़ की हुई है। जब केचप लगी है तो थोड़ा सा जो कलर की गुंजाइश थी ये देखें, और बाकी भी जो कलर उनका ज़बरदस्त आ गया और कड़क हो गए। आपने इनको ऊपर लीमू निचोड़ के साथ चाट मसाला थोड़ा सा डाल सकते हैं, हरी मिर्चें जो हैं वो भी आप बारीक काट के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।